राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में नागपुर स्थित सुरेश भट्ट सभागृह में संपन्न हुआ। इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ विशेष रूप से उपस्थित थे। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्र गीत और महाराष्ट्र गीत से हुई। साथ ही साथ इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस समय विशेष रूप से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ समेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उपराष्ट्रपति देवेंद्र फडणवीस, कार्यक्रम के अध्यक्ष राज्यपाल रमेश बैस, साथ ही साथ नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी और प्रकुलगुरु डॉक्टर संजय दुधे उपस्थित थे। इस समय स्वागत पर भाषण करते हुए कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी ने सभी का स्वागत किया और शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं दी। विद्यापीठाचा इतिहास हा आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे। हे केवळ एक शिक्षेचं केंद्र राहिलं नाही तर सामाजिक चळवळीचं देखील केंद्र राहिलं आहे। आणि ज्या ज्या वेळी देशाला आणि समाजाला आवश्यकता होती त्या त्या वेळी आपली भूमिका अतिशय समर्थपणे पार पडणार अशा प्रकारचे विद्यापीठ आहे। इस समय विचार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वविद्यालय को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत होने वाले विकास में नागपुर विश्वविद्यालय संसाधन के रूप में होनहार छात्र देश को देगा, तो वही इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालय को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि देश के सर्वश्रेष्ठ भविष्य में नागपुर विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा और संस्कृति को चरितार्थ करेगा। गौरतलब है कि शताब्दी समारोह के अवसर पर चुनिंदा 5 व्यक्तियों को साधना पुरस्कार प्रदान किया गया। कि विशेष रूप से हमारे विदर्भ के सभी प्रकार के विकास में साहित्य हो, संस्कृति हो, कला हो, हमारे यहाँ हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, हमारे यहाँ का इंजीनियरिंग हो, सब बातों में हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सर विश्वेश्वरैया जी जो थे उनका नागपुर से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन इस यूनिवर्सिटी को दिया है। जो लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है LIT, जिसको अभी महाराष्ट्र सरकार ने और विशेष रूप से देवेंद्र जी ने इनिशिएटिव लेकर स्वायत्तता दी है, उस LIT से देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ से तैयार हुए हैं। हमारा जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो इतना महत्वपूर्ण है कि बीच में वहाँ के विद्यार्थियों से मैं बात कर रहा था तो कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ का टर्नओवर जिन फार्मास्यूटिकल कंपनी का है उसके मालिक हमारे इस नागपुर यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट से प्रशिक्षित होके गए हुए हैं। इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनता से प्रतिपादन किया कि सिर्फ कुछ चीजें सस्ती मिल रही है इसलिए देश की अर्थव्यवस्था से समझौता ना करें, विदेशी नहीं स्वदेशी अपनाएं, साथ ही साथ संसाधनों का संरक्षण करें। इस वक्त देश के शैक्षणिक इतिहास को याद करते हुए उन्होंने तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि भारत विद्या का शक्तिपीठ है। नागपुर विश्वविद्यालय जरूर देश की अर्थव्यवस्था को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने में सहभाग देगा। They will help governance policies massively. And secondly, they will get an opportunity to structure giving back to the society by giving it to their alma mater. And if they give fiscal assistance to alma mater, make available avenues to the students of alma mater, they will be contributing for societal upliftment. And that will be a great national service. कैमरा पर्सन अजीत कुवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।